हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, एमसीसी द्वारा एक ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है और अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आज स्टर वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज है 4 जनवरी और आज ऑफिशियल अपडेट के साथ यहाँ पर मैं आया हूँ। तो 4 जनवरी है और स्टर वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन छात्र कमेंट्स कर रहे थे सर कौन कौन छात्र इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि कौन कौन छात्र इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी वैकेंसी है, कौन कौन छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, क्या इसकी गाइडलाइंस है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको फ्रेंड्स कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है नीट 2021 के छात्रों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हजारों बच्चों ने हमारे रेफरल कोड से कोर्स को परचेस किया है और फ्रेंड्स आपको ये हेल्प करेगा आपकी नीट 2021 की क्रैकिंग क्रैक करने के लिए। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है नीट 2021 में एडमिशन ले सकेंगे बहुत अच्छे स्कोर के साथ। तो अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है क्रैक कोर्स, जो कि आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी यहां पर पढ़ाने वाली हैं। एक उम्मीद बैच जो है नीट 2021 के लिए स्टार्ट किया गया था, जहां पर आप देख सकते हैं इंडिया की टॉप फैकल्टीज यहां पर पढ़ाने वाली हैं, जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट ये हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, आज एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अल्फा अचीवर बैच, जो कि आज 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं इंडिया की टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं। इन दोनों की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दी है, अल्फा अचीवर बैच की और उम्मीद बैच की, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। वहां से क्लिक करके इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जब डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है मैनेज गोल पर क्लिक करना है, नीट यूजी पर क्लिक करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कितने महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है हमारा रेफरल कोड डालना है TCH10। ये रेफरल कोड डालने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत छात्रों ने, हजारों छात्रों ने सब्सक्रिप्शन लिया है ये रेफरल कोड डाल करके। ये रेफरल कोड डाल के जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। अगर आप नीट 2021 में जो है अनअकैडमी एंट्रेंस एग्जाम, जो आपका नीट का एंट्रेंस एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जिसका जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्लस और आइकॉनिक भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लस वाले पर क्लिक करके हमारा रेफरल कोड डालकर आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आप मान लीजिएगा मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ से आप उम्मीद बैच पर क्लिक करते हैं, तो उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आएगा और वहाँ से आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा प्लस और आइकॉनिक, प्लस के नीचे आपको सिलेक्ट प्लस देखने को मिलेगा, सिलेक्ट प्लस पर आप क्लिक करेंगे। सिलेक्ट प्लस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मान लीजिए 12 महीने का लेना चाहते हो तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारा रेफरल कोड आपको ये डालना है TCH10। ये डालने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपको यहां देखने को मिलेगा ऑसम, यू गॉट 10% ऑफ, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। आपको 10% ऑफ के साथ आपको जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप अच्छी अच्छी क्लासेस यहां से ले सकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो जो छात्र एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, इसके लिए फ्रेंड्स आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, पूरी डिटेल के साथ बता दूंगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से पेमेंट करना है, किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 4 जनवरी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, हम इस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा, क्या कौन कौन छात्र इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है एमसीसी का, जो अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ईस्टर वैकेंसी राउंड। ईस्टर वैकेंसी राउंड के लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, ठीक है, देखिएगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एमसीसी पहले भी बता चुका है कि इसका सीट मैट्रिक्स वगैरह सभी कुछ रिलीज कर चुका है, इसका गाइडलाइंस वगैरह भी सभी कुछ रिलीज कर चुका है। मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है, अगर चैनल पर जाकर वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, अन्यथा मैं उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि ईस्टर वैकेंसी राउंड जो है ऑफलाइन कंडक्ट होगा। बहुत छात्रों के माइंड में ये चल रहा है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो देखिए वैसे तो रजिस्ट्रेशन आपके ऑनलाइन होंगे, लेकिन अब जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको जो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए जाना होगा तो वो आपका ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन एडमिशन कॉलेज मिलने के बाद कहाँ का आपको अपना एडमिशन के लिए जाना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें कि आपको जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की सीट आपके लिए उस कॉलेज में है या नहीं है, उसको जरूर देख लें, अन्यथा आप बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पता लगा उसमें आपकी सीट ही नहीं हो और आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दें उस कॉलेज का, चॉइस फिलिंग भर दें। ठीक है, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। इसकी गाइडलाइंस भी रिलीज हो चुकी हैं, गाइडलाइंस के लिए मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके उसको देख लें।
और इसकी जो रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं वो 4 जनवरी यानी आज से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 जनवरी तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। लेकिन ध्यान रखें, वो कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन करें जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वो छात्र इसमें रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि आपने ऑल इंडिया कोटा राउंड वन या सेकेंड राउंड या मोपअप राउंड में अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। उसके लिए आप जब नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पेमेंट वगैरह सभी कुछ देनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको सेकंड राउंड और मोपअप राउंड में अगर कॉलेज मिला है, अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया सीट जो है जाकर एडमिशन नहीं लिया, तो आपको जो है वही रजिस्ट्रेशन काम करेगा, लेकिन आपको फीस पेमेंट द्वारा करनी होगी सिक्योरिटी अमाउंट के लिए। देखिए यहाँ पर साफ ही लिखा गया है कि कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर स्टिल वैकेंसी राउंड। तो यहाँ देख सकते हैं, कैंडिडेट्स ऑलरेडी होल्डिंग ए सीट इन राउंड वन, राउंड टू एंड मोपअप राउंड। राउंड वन और राउंड टू और मोपअप राउंड में जो कैंडिडेट सीट मिल चुके और एडमिशन ले चुके हैं वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और इसके बाद उन छात्रों को कॉलेज नहीं मिलेगा। कौन छात्र एलिजिबल नहीं रहेगा? जो छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे वो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, किन छात्रों को, जैसे मान लीजिएगा आपको एम्स कॉलेज मिल जाता है, ऑल इंडिया में 19 एम्स कॉलेज है, अगर आपको 19 एम्स कॉलेज में कहीं भी सीट मिल जाती है तो आपको एम्स न्यू दिल्ली में जाना होगा एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बीएमएमसी, एसजेएच, एबीवीआईएमएस, आरएमएल या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ईएसआई से वगैरह मिल जाता है तो आपको बीएमएमसी में जाना है एडमिशन प्रोसेस के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। आपको एमएएमसी, एमएआईडीएस, यूसीएमएस, एलएचएमसी अगर आपको मिलता है तो दिल्ली नहीं या डीयू में आपको एडमिशन के लिए जाना होगा। उसके बाद एएमयू मिलता है तो एएमयू में, बीएचयू मिलता है तो बीएचयू में, डीम्ड मिलता है तो रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ईएसआईसी मिलता है तो ईएसआईसी में ही, ईएसआईसी अथॉरिटीज में ही आपको जाना होगा अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है, इसमें टोटल सीट आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं टोटल सीट आपको बता देता हूँ कितनी टोटल सीट इसमें है। तो टोटल सीट आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल जो सीट है वो 2463 सीट है गवर्नमेंट प्राइवेट सभी के लगा करके। तो देख लीजिएगा आप इसके लिए थोड़ा इसका शेड्यूल देख लीजिएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 से 6 जनवरी के बीच होंगे, ठीक है। इसकी पेमेंट वगैरह सभी कुछ 4 से 6 जनवरी के बीच होगी। उसके बाद रिजर्वेशन, वैकेंसी जो सीट होगी उसके लिए रिजर्वेशन जो होगा, ठीक है, वो आपकी 6 जनवरी को होगा। 7 जनवरी को इसकी लिस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी, मेरिट लिस्ट आपके रेस्पेक्टेड कॉलेजेस में, ठीक है, जो कि 10 टाइम लिस्ट जो है इसकी पब्लिश की जाएगी। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आपके कॉलेज में जो है एक सीट वैकेंट है तो 10 छात्रों का उस लिस्ट का नाम भेजा जाएगा, ठीक है। तो एक लिस्ट फॉरवर्ड की जाएगी कॉलेज के लिए और आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तो 7 से 15 जनवरी के बीच आपको अपना कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। हालांकि मैं अभी इससे पहले बता चुका हूँ आपको कि कहाँ कहाँ जाना होगा और आपको कौन सा कॉलेज मिलता है तो कहाँ आपको जाना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा आगे, आपका जो 2 फरवरी से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका शेड्यूल है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का। अब मुझे बहुत छात्र कमेंट्स कर रहे थे कि सर सिक्योरिटी फी कितना देना होगा अगर हम नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपने राउंड वन ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू मोपअप राउंड में जो आपने फीस दी थी तो वही फीस आपको देनी होगी जो आपने ऑल इंडिया कोटा राउंड वन टू और मोपअप राउंड में दी थी। जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी और सिक्योरिटी फी 2 लाख रुपये देनी होगी। लेकिन सिक्योरिटी फी आपकी रिफंडेबल होगी, ये रिफंडेबल नहीं होगी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो। लेकिन अगर आप सीट छोड़ देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाएगी। अगर आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, एएमयू, बीएचयू के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फी और एससी, ओबीसी, एसटी वाले 500 रुपये और 10000 रुपये आपको सिक्योरिटी फी देनी होगी। तो यही फी आपको इसलिए देनी होती है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी छात्र मैंने आपको बता दिया कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, ऐसे सभी कैंडिडेट जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो रजिस्ट्रेशन ना करें, वो कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो बस यही है। और इसके रिगार्डिंग में जब जो भी दिक्कत परेशानी छात्रों को हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है और इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दे दूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि जिन छात्रों का जो पूरा फॉर्म भरना है रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए उनको किस तरह से फॉर्म भरना होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ।